मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा प्रदेश के मौसम का हाल। कड़ाके की ठंड के साथ अब बरसात और ओले के भी आसार, जाने आपके इलाके में कब हो सकती है बारिश। शीतलहर के प्रकोप के बीच आने वाले दिनों में बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में बारिश होने की आशंका जताई है। इसी बीच तेज हवाएं चलने और ओले पड़ने की भी आसार हैं। इसी के चलते एक बार फिर से ठंड से लोग परेशान हो सकते हैं। आइए जानते हैं मौसम विभाग ने किस राज्य में कब बारिश के आसार बताए हैं, कहां कहां तेज हवाएं चलने का अनुमान है और कब और कहां ओले पड़ सकते हैं। किस राज्य में कब बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश का मौसम। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में 23, 24 और 25 जनवरी को तेज हवा चलने और बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं। 23 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर बिजली चमकने के साथ साथ तेज हवा चलने के साथ बारिश हो सकती है। 24 जनवरी को पश्चिमी यूपी के ज्यादातर इलाकों का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश में 24 और 25 जनवरी दोनों ही दिन बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। कई जगहों पर ओले पड़ने का भी अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर राजस्थान के कुछ इलाकों में 23 और 24 जनवरी को ओले पड़ने का भी अनुमान जताया गया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 23 और 24 जनवरी को 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश का मौसम। बर्फबारी और शीतलहर झेल रहे हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 23, 24 और 25 जनवरी को सूबे के कई इलाकों में बारिश, बर्फबारी और तेज हवाएं झेलने पड़ सकते हैं। इसी के अलावा तापमान में भी गिरावट आ सकती है। उत्तराखंड का मौसम। मौसम विभाग के अनुसार 23, 24 और 25 जनवरी को उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। आपदा की मार झेल रहे उत्तराखंड के जोशीमठ पर फिर से बड़ा खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिन जोशीमठ के लिए बहुत कठिन रहने वाले हैं। विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक 19 जनवरी से 24 जनवरी के बीच 4 दिन 19, 20 और 23 जनवरी को जोशीमठ समेत चमोली, पिथौरागढ़ आदि शहरों में जोरदार बारिश और बर्फबारी होने की आशंका है। मौसम विभाग का कहना है कि इन 4 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के लिए सक्रिय होने में मौसम के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। पंजाब का मौसम। मौसम वैज्ञानिकों ने पंजाब को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। यहाँ 22, 23, 24 और 25 जनवरी को बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने का भी अनुमान लगाया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में इन दिनों राज्यों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 22, 23, 24 और 25 जनवरी को इन राज्यों के कई इलाकों में बारिश के साथ तेज आंधी और बिजली चमकने का अनुमान लगाया गया है। 22 जनवरी को कई इलाकों में छिटपुट बारिश का अनुमान है। 23 जनवरी को गरज चमक के साथ कुछ जगहों पर बारिश होने का भी अनुमान है। 25 जनवरी को ज्यादातर जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है। राजस्थान का मौसम। प्रदेश के उत्तरी इलाकों में मौसम विभाग ने 23 और 24 जनवरी को गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं जम्मू कश्मीर में 21 जनवरी को कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। 22, 23 और 24 जनवरी को कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 25 जनवरी को भी घाटी के कुछ इलाकों में बारिश के आसार है। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर रोज ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए।